पर हम ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। कांग्रेस के खिलाफ बड़ा होने वाला है या क्या होने वाला है ये तो सब बता चुके हमारे साथी, और इससे बड़ा क्या होगा, क्या करेंगे वो कांग्रेस के साथ? क्या सबको गोली मरवा देंगे या सबको जेल में बंद कर देंगे? जेल में इतनी जगह है इनके पास कि सारे कांग्रेसियों को बंद कर दे। इमरजेंसी के दौरान भी विपक्ष के नेताओं को बंद किया गया था, क्या हुआ फाइनली? मैं थोड़ी दूसरी जगह से आना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम कि लोकतंत्र में लोग के पास क्या हथियार है। लोकतंत्र में लोग जो है 5 साल में एक बार वोट देने आता है, उसके पास उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वोट लेने के बाद जब पहली बार 2014 में चुनाव जीत करके आए थे, जैसा कि प्रेम भाई ने कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह एक झूठ लेकर के आए थे कांग्रेस के खिलाफ, तो ये भी मोदी जी भी झूठ लेकर के आए थे, और एक नहीं कई झूठ लेकर के आए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण झूठ ये था कि ये जो है कांग्रेस घोटाले वाली पार्टी है, और 2G और कोयला घोटाला सबके सामने है, और 5G अभी कल परसों नीलामी हुई, उसमें कितना पैसा इन्होंने कमा के दिया देश को, ये भी सबको पता है। तो जनता जो है, जनता के सारे अधिकारों को, क्योंकि जनता के पास तो वोट देने का अधिकार है, लेकिन जब से ये सत्ता में आए हैं तब से जनता के चुने हुए सरकारों को जिस तरह से इन्होंने गिराया है और अपनी सरकार बनाई है, उसमें इन्होंने एक तो साबित किया है कि भैया जनता कुछ होती नहीं, लोकतंत्र को हम नहीं मानते हैं, ये बता रहे हैं। फिर देखिए कि जब ये जीत करके आए थे तो सबसे पहले इन्होंने काम किया था भूमि अधिग्रहण कानून, जो 2012-13 में बनाया गया था, उसके खिलाफ इन्होंने अपना चलाया, ऑर्डिनेंस लाया और कोशिश की कि किस तरह से कानून को बदला जाए, और जो मनमोहन सिंह सरकार ने किसानों के हित में इस कानून को बनाया था उसको किसानों से छीनने की तमाम कोशिश की, हालांकि वो नहीं कर पाए उस तरह से, लेकिन फिर भी भूमि अधिग्रहण कानून को इन्होंने कमजोर बनाया। फिर उसके बाद नोटबंदी करके आर्थिक स्थिति को कमजोर किया, फिर जो है ये GST लाया और जो व्यापारी है उनको खत्म किया, व्यापारी भी लोग हैं, हमारे लोग में से आते हैं, किसान देश से आते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोरोना काल में जिस तरह से देश के नागरिकों का भट्ठा बिठाया, चौपट किया, 50 लाख लोगों को मरवाया, ये भी बताया है कि लोग के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। फिर ये जिस तरह से कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का खाना खिला रहे हैं, तो इन्होंने लोकतंत्र की कितनी इज्जत की, लोग की कितनी इज्जत की, ये फ्री खिला रहे हैं, अपना घर बेच करके खिला रहे हैं बीजेपी वाले लोग, तो ये बताना चाह रहे हैं कि हम फ्री में खिला रहे हैं, इसलिए तुम कुछ बोलो नहीं, खाली मेरी जय करो। अब उसके बाद फिर आइए, ये जो ईडी को जो इन्होंने लगाया है, जिसपे शुरुआत में प्रशांत भाई ने कहा, और प्रशांत भाई इसमें बढ़िया बोलते हैं क्योंकि बड़ा अच्छा पढ़ा हुआ इन्होंने इन सारी चीजों को, लेकिन मैं जो कम शब्दों में पढ़ा है मैंने कि ईडी मतलब एंड ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसी को नहीं सुनने वाले। या जैसा कि प्रेम भाई ने कहा कि आरोप लगा दीजिए, अब जिसपे आरोप लगा है वो साबित करेगा कि भाई मैं निर्दोष हूं, तो कोई सरकार नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं, चलो जेल के अंदर। और 8 साल से कांग्रेस के खिलाफ ये जो नेशनल हेराल्ड मामला है, 8 साल से जांच कर रहे हैं, 8 साल में भी अगर आप नहीं जांच पाए कि राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आपको शर्म आनी चाहिए यार, इतने पढ़े लिखे लोग आप दावा करते हो या बहुत मजबूत एजेंसी है, ये एजेंसी है आपकी? आप जब सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट कहता है कि हमारे पास इतने सारे मामले हैं, इसका फैसला करने में वक्त इसलिए लग रहा है कि हमारे पास जजेज नहीं है, हमारे पास कोर्ट नहीं है, तो एक बात समझ में आती है कि हमारी आबादी बड़ी है। आप जांच करते हो 8 साल में, मजाक बना के रखा है, और लोग को ये समझते नहीं। अगर लोग को समझते तो लोकतंत्र में विश्वास करते, लोकतंत्र में इनका विश्वास तब भी नहीं था जब देश आजाद हुआ था और देश में जो है लोकतंत्र लाया गया था, तिरंगा फहराया गया था, क्या ये तिरंगा के साथ थे? आज ये घर घर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं नारेबाजी करने वाले लोग, झूठे लोग, तिरंगा आप सिखाएंगे हमको? हम नागरिकों को जिसके बाप दादाओं ने तिरंगा फहराया अपने घरों में उसी दिन, आप बताएंगे कि तिरंगा फहराइए तो देशभक्त कहलाएंगे? आप देशभक्त हैं, आपने केवल देश का ठेका लिया हुआ है, हम नागरिकों का देश नहीं है, ये नेताओं का देश है। तो ये जो कह रहे हैं, अब एक महत्वपूर्ण है कि जनता तो फैसला देगी भाई जब आएगा चुनाव तब,
और इनको पता है कि जनता हमारे खिलाफ फैसला देने वाली है, इसलिए कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो या सांप्रदायिक तक जो राष्ट्रीय सद्भाव की बात, इन तमाम जगहों पे फ्लॉप साबित हुए। हर जगह पे टैक्स लगाया है, देश की संपत्तियों को, संसाधनों को नीलाम किया है, बुरी तरह से बेचा है, बर्बाद किया है और अपने हित में बर्बाद किया, इसमें जनता का हित कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। कल जो है मैं देख रहा था लोकसभा में जिस तरह से जयंत सिन्हा बोल रहे थे किधर है महंगाई, अरे तो जनता झूठ बोल रही है भाई, जयंत सिन्हा जी आप अकेले सच बोल रहे हो, कहां मिल रही है 15 रुपए किलो सब्जी, जरा बताए मुझे कोई डेटा दे दे जहां 15। अरे बंबई जाइए, अभी मैं गांव से आया हूं अपने गांव बिंद से, नालंदा जिला का बड़ा चर्चित गांव है, वहां भी 60 रुपए किलो सब्जी मिल रही है भाई साहब। और ये जनता से इतना झूठ बोल चुके कि इनको पता है कि जनता इनको लात मार के भगाने वाली है। तो ये अभी जो समय है गुजरात का, ये इनको लग रहा है कि अब बचने का एकमात्र तरीका हमारे पास है कि पूरे विपक्ष को भ्रष्ट साबित कर दिया जाए, और विपक्ष से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए कांग्रेस। जो कहा नड्डा साहब ने पटना जाकर के कि कोई पार्टी नहीं बचेगी, ये कांग्रेस को खत्म करने की बात सोच रहा है, बाकी विपक्ष है कहां, बाकी विपक्ष एक स्टेट तक सीमित है, ये कांग्रेस ही है जो राष्ट्रीय स्तर पर इनको चुनौती दे सकती है। तो कांग्रेस को, लेकिन अब सवाल है क्या कांग्रेस को बीजेपी खत्म कर सकती है? तो भाई साहब नेचर, नेचर में हमेशा ध्यान रखिए, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, हमेशा जो है घृणा खत्म होती है। जो कह रहे हैं प्रशांत भाई कितना अविश्वास का माहौल है नौकरशाहों में, अविश्वास का माहौल क्यों है? जब आपकी नीयत खराब होगी ना तो आपकी पत्नी भी, आपका भाई भी लगेगा आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो भाई साहब आपकी नीयत खराब, पहले दिन से नीयत खराब है और आपको लग रहा है इतनी जल्दी पहुंचना है वहां पे हिंदू राष्ट्र या कहिए एकदम अधिनायकवादी तंत्र पे, आपको लग रहा है कि बहुत हड़बड़ी में है। क्या उतनी हड़बड़ी में भाई, कांग्रेस ने 55 साल इस देश में शासन किया, तब भी वो महंगाई पे बात करना चाह रही है, तब भी वो जो है बेरोजगारी पे बात करना चाह रही है, और आपको अभी 8 साल हुए हैं, आप कह रहे हो लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो राजीव जी, इनसे लोकतंत्र खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन कांग्रेस को लड़ाई का, क्योंकि ये पार्टियों को लड़ना है, ये कांग्रेस को लड़ना है, जनता को अभी नहीं लड़ना, जनता तो आएगी वोट देने के लिए, अभी कांग्रेस को लड़ना है। कांग्रेस को अब जो है बीजेपी वाले बार बार मजबूर कर रहे हैं कि आप सड़क पे उतरो, आप अपने सोनिया गांधी जी के घर और उनके घर के बाहर पुलिस को रहने दीजिए, आप आइए ना सड़क पे। तो ये इनके लिए चैलेंज है और कांग्रेस को अब निकलना चाहिए बाहर। जी राजीव जी, ये हड़बड़ी क्यों है जब सब कुछ आपके हाथ में है? यानी सत्ता पक्ष के की बात कर रहा हूं, और बहुत सही सवाल उठा रहे हैं धनंजय कुमार जी की हड़बड़ी में है, आखिर ये हड़बड़ी क्यों? देखिए ईवीएम की बात आती है बार बार, अब ईडी सबसे बड़ा तंत्र है जिसके जरिए आप, जिसके सहारे आप सरकार बना रहे हो, गिरा रहे हो, लोगों को डरा रहे हो, तमाम चीजें हो रही हैं ईडी के नाम से, लोगों को